सारे गमा कारवां, इस तोहफे में हैं 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कितने आते हैं यहाँ तकदीर आजमाने, पर कुछ गिने चुने ही नसीब वाले हैं जो छाप छोड़ जाते हैं। और रौनक तो नसीब का बिल्कुल खज्जल था, लेकिन फिर भी छाप छोड़ गया। बस के लिए छुट्टे तो रख लो। क्या चाचा दुनिया को बनाते हो, देख सकते हो ना? नहीं बेटा, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, देख नहीं सकता, लेकिन देख सकता हूँ। हमेशा जानता था तू कभी ना कभी आएगा। मैं रौनक को बचपन से जानता हूँ। उसके पापा मेरे बड़े भाई की तरह थे, वो भी टैलेंटेड म्यूजिशियन थे। उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया यहाँ मुंबई में, पर मिहिका मैं तुम्हारे साथ कैच कैच खेलने आया हूँ। रौनक पानी? जी, लेकिन नीट नहीं, थोड़ा सा प्लीज। एक्चुअली क्या है ना चाचा, इतनी वॉकिंग करके आया हूँ, जॉनी वॉकर के दर्शन तो करूँगा। गेट दी आइस। मैं आइस नहीं लेता।
शराब का टेस्ट खराब करती है। 20 साल हो गए लंच से पहले पिए, और एक कॉल को ही आना था इस आदत को सुधारने के लिए। इट्स नेवर टू लेट चाचा। चीयर्स। चीयर्स। भाभी को बता कर आए हो ना? जी। वन मोर। बस लास्ट। मुझे असिस्ट करोगे? क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता दो आपको चाचा बोलना पड़ेगा यार बॉस। लो भाई, आ गई मेरी दुनिया। टैंगो चार्ली। चार्ली ओनर का नाम। और टैंगो? उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी। दोनों से जल्दी मिलोगे, आओ चलिए। टैंगो चार्ली में डीजे हुआ करता था। रौनक की कहानी एक तरह से उसी क्लब में शुरू होती है। हवाओं से कोरे कोरे पन्ने खुल रहे, लम्हे कट्टे मीठे कच्चे पक्के मिल रहे। एक्चुअली हमारा कनेक्शन म्यूजिक की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। दारू पीने जाते थे, घंटों म्यूजिक की बात करते रहते थे। पीता बहुत था साला। हवाओं से कोरे कोरे पन्ने खुल रहे, लम्हे कट्टे मीठे कच्चे पक्के मिल रहे। मोस्टली हम क्लब साथ आया जाया करते थे। घर आने पर वो हेडफोन लगा के अपने पुराने कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाने लगता था। मैं चला काल को हरने, मैं चला काल को हरने। आई डेंट थिंकिंग हम दोनों के साथ बैंड में तीसरा बंदा आएगा। ही वाज कूल, ही वाज दैट स्मॉल टाउन गाय, बट मिक्स हो गया, अडैप्ट कर लिया। वी फर्स्ट मेट रौनक, आई थिंक वो क्लब में था ना? एक्चुअली उसी ने हमें नाम दिया था, टैंगो चार्ली एंजल। रौनक मुझे अच्छा लगता था, इनफैक्ट सबको अच्छा लगता था। He was this really fun, ballsy guy. भीतर तो नए नए उजाले पल रहे, मुश्किलें चखने को इरादे उछल रहे। हादसों को शक है मेरी हिम्मत पे, मगर देखो मेरे हौसलों के पर निकल रहे। बन के अनोखा सा, मत वाला झोंका सा, बन के अनोखा सा, मत वाला झोंका सा। मैं चला वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे उतर, आ जाओ, चाय पीते हैं साथ में मिलके। आ जाओ आ जाओ। तेरे पिता को भी सुबह पीना अच्छा लगता था, कहते थे पीकर उठेंगे तो लाइफ में ऊपर उठेंगे। अब लाइफ में तो पता नहीं, लेकिन ऊपर जरूर उठ गए। तुम नीचे उतरो, उतरो। चाचा आप ऊपर। रौनक नीचे उतरो। ओके। संभाल के संभाल के संभाल के। कंपेयर मी टू माय फादर चाचा। चलो। मैं रौनक कॉल हूँ, वो पार्थ कॉल थे। अभी भी गुस्सा हो अपने पापा से? He loved his music. शायद मॉम से भी कहीं ज्यादा। Fair enough. और मैं कौन होता हूँ कंप्लेन करने वाला? मैंने भी तो प्रूव कर दिया कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। छोड़ा है ना माँ को? हरकत तेरी, बातें भी अपने पिता की तरह करता है तू। लेकिन आप
बिल्कुल बुड्ढों की तरह बात करते हैं। भाई वो मैं बुड्ढा, सिर्फ यादें हैं मेरे पास, पर सपने नहीं। सपने तुम यंगस्टर्स के लिए है। 100% करेक्ट, सपना तो है चाचा। रौनक रौनक संभाल, सपना। मुझे लगता है मुझे अब सो जाना चाहिए। क्या हुआ, सपना अभी से सच हो गया? सपना तो सच होगा चाचा, लिख के रख लो। और वो जो आपका पूछ बड़ी है ना, पार्थ कॉल, वो भी ऊपर से देखेगा और बोलेगा मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। हाँ नीचे उतरो ना चाचा। आओ ना बेटा, मैं कब से कह रहा हूँ नीचे उतरा जाओ। चाचा पीके उठेंगे तो चढ़ेगी, चढ़ के पियेंगे तो क्या, तो ऊपर ही उठ जाएंगे ना बेटा। चलो। बाबा आया पीले स्कॉच, पीले स्कॉच। क्या दूध पीती बच्ची को स्कॉच वॉच की पट्टी पढ़ा रहे हो? लो ये लो। ये क्या बोझल के घूम रहे हो? ये पार्थ कॉल का खजाना है, रिकॉर्ड्स, टेप्स, कुछ इधर उधर की चीजें। पापा का? मैं इसका क्या करूंगा? अब विरासत में यही छोड़ गए हैं, रख लो। चाचा मैं पापा की सारी ट्यून्स इनसाइड आउट जानता हूँ। जब भी कोई नई धुन बनाते तो मुझे सुनाने चले आते थे, मेरे लिए ये बेकार है। पर मुझे तो लगा था स्मृति उन्हें तुमसे मिलने नहीं देती थी। राही अपना रास्ता ढूंढ लेता है, नहीं? स्मृति ने तुम्हारे म्यूजिशियन बनने की बात कैसे मान ली? मेरी बॉडी देखिए चाचा, कहाँ इस उम्र मुझसे लड़ती पड़ती है। लाइक फादर लाइक सन। सिंगिंग सेंसेशन मैक मकरन चाचा, क्या गाते हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है चाचा कि अपने बजट में, बजट मतलब मुफ्त में। बहुत कंजूस है भाई तू, तेरे पिता को टैलेंट की कदर थी, जिसे भी बुलाते अच्छा इनाम देते। हाँ तभी विरासत में सिर्फ कैसेट छोड़ के गए मेरे लिए। चाचा शुरू करते हैं। One, two, three. Guys, Chacha. गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो। क्या कमाल गाते हो चाचा, ये लो तुम्हारा इनाम। अगली बार रिकॉर्डिंग से पहले पियेंगे। आ जाओ इधर से।
शुनाली, she always had anger management issues. वो पब्लिक में अपने बॉयफ्रेंड को पीट रही है। तभी एक गाना बजने लगा, फकीरा फकीरा। I was like, what the fuckira man? ए फकीरा, ये तमाशा है गरीबी या मेरी, ये तरीका है फकीरी है फकीरी है फकीरी झूम फकीरा झूम 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 फकीरा झूम फकीरा झूम 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 फकीरा झूम झूम फकीरा झूम फकीरा झूम फकीरा झूम फकीरा झूम 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 फकीरा झूम 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 फकीरा झूम झूम फकीरा जब वो गाना बन रहा था तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो गाना नो क्लब में बजेगा, लोग उस पर डांस भी करेंगे। बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि रौनक की म्यूजिकल नॉलेज काफी अच्छी थी, रॉक जैज इंडियन क्लासिकल। काफी देर तक चला उसका सेट उस रात, पर मुझे पहले गाने में ही यकीन हो गया था रौनक हैड मोजो मैन। झूम फकीरा झूम 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 फकीरा झूम झूम फकीरा झूम 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 फकीरा झूम झूम मस्ताना मस्त मस्ताना हीरो है यार, कल रात से मैं तेरा नंबर वन फैन हो गया। ये देख मेरा फेसबुक स्टेटस कल रात का, देयर आर डीजेस हु प्ले म्यूजिक एंड देयर आर डीजेस हु प्ले द क्राउड, लास्ट नाइट आई सॉ देम पॉप, दैट्स यू ब्रो। पढ़ पढ़ नीचे लिखे कमेंट्स को पढ़ ब्रो। तेरे में टैलेंट तो फटे, पार्थ कॉल में भी था। ओह डोंट लुक सरप्राइज्ड, आई न्यू पार्थ, आई नो एवरीबॉडी। मगर पार्थ के पास वो नहीं था जो आज तेरे पास है, चार्ली ब्रो। तेरे करियर का ब्लूप्रिंट सिर्फ मेरे पास। आई कैन गेट यू द एल्बम, आई कैन गेट यू द कॉन्सर्ट, आई कैन गेट यू द म्यूजिक वीडियोस, आई कैन इवन गेट यू द ब्लडी मूवीज यार। कैन यू गेट मी अ ड्रिंक? वो गाना तूने बनाया था? कोई डाउट है? नहीं, भान बोल रहा था कोई
सेकंड हैंड कंप्यूटर और फर्स्ट क्लास भिखारी के साथ बनाया था। गलत बोला, सेकंड हैंड कंप्यूटर और फर्स्ट क्लास आर्टिस्ट। But bro, now we need to scratch the next level. अपना स्टूडियो। You serious? हर हीरो की अपनी स्टोरी होती है। तेरा फ्लैशबैक सुना ना? पर तू आज सुना ना, छह साल का था मैं जब मेरा पाप गुजर गया और पीछे छोड़ गया एक बेसहारा अबला माँ और एक बेचारा दुबला बेटा। बहुत दुख भरी कहानी है चार्ली, आगे सुनो। ड्रिंक पीते हैं नहीं, क्लाइमेक्स है, बहुत ड्रामा है। नेक्स्ट टाइम। मैं भी यही सोच रहा था। You know the best thing about music? The melodies, the solo guitars, the chicks. Bro, the chicks. Music is like their honey. And they are like bees. Maine bhi do rap gaane banaye the. Really? Yeah, in the 90s. The Madhumakkhis. मधुमक्खी हार्डली अब कभी चक्कर लगते हैं। एक तो बहुत टाइम लग जाता है अलीबाग आने में। सोचा था यहीं आकर रहूंगा पर बॉम्बे छोड़ पाना नसीब वालों के हिस्से में। वेलकम टू माय विला। डिवोर्स से पहले यहाँ हम बहुत सारी पार्टीज किया करते थे। मेहमानों की अय्याशियों के लिए गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल जिसमें दो जुड़वा बहनों के साथ मैंने काफी स्विमिंग सीखी। डिवोर्स के बाद ये शायद मेरी वाइफ का होगा, लेकिन किसी जमाने में माय पैराडाइज ऑफ सिन कल से ये तेरा स्टूडियो। Ronak blowing the lid of this place. Overnight, Tango Charlie सबसे happening club बन गया था. Ronak had something every DJ wanted. Magical instincts. वो dance floor की नस नस जानता था. वो crowd को कभी ऊपर उठाता था, कभी नीचे उतारता था. He used to make it like a crazy trip. सिंगल थी, सो वी
started dating. रौनक के पास स्टॉप बटन नहीं था, ओनली फास्ट फॉरवर्ड। इट वाज कंप्लीटली मैड। ओके, चार्ली लैंड वाज लाइक द मैड ब्लास्ट। कौन हो तुम? कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? घर पहुंचाया था। You were wasted. मैं? नहीं मैं। ठीक है, अब जाओ यहां से। एक मिनट, तुम असली में तो नहीं हो ना यहाँ पर? क्या सुनना चाहता है, हाँ या ना? मुझे लग गया था। नाम क्या है तुम्हारा? जॉनी। प्यार से लोग मुझे जॉनी कहते हैं। जॉनी जोकर। बचपन में हिट करा था। पता है। याद है मुझे, मेरे डैड ने बजाया था उस गाने के रिकॉर्डिंग में। बिद्दू का गाना था ना, श्वेता शेट्टी ने गाया था। जॉनी जॉनी जोकर मस्ताना, जॉनी जॉनी जोकर दीवाना, बेवफा। ओह गॉड, दिल अभी यहीं पर है। इनफ, अब जाएं से, सोना है मुझे। हाँ, ये क्या सोने का टाइम है? पता है, पर क्या करूं, क्लब से स्टूडियो, स्टूडियो से क्लब, थक जाता हूं मैं। और ऊपर से ये मच्छर, they have screwed my happiness, man. इन मच्छरों का ना राशन कार्ड बनना बाकी है बस। इस शहर में आदमी से ज्यादा तो मच्छर हैं। तू वहीं क्यों नहीं रह जाता? कहां? अलीबाग में, जहां स्टूडियो बनाया है वहीं रह ले। चाली से पूछना। अबे इतना सीरियसली क्या सोच रहा है? मच्छरों के लिए तो बाजार में हिट मिल जाएगा, तेरा हिट कहां से आएगा? मुझे आप मिस करोगे? रौनक, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। अब तो अलीबाग शिफ्ट हो जाएगा, घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है भाई? चलो जाओ, भागो, जाओ जाके खेलो, जाओ जाओ खेलो जाके। तो अब आप सेंटी होने का ड्रामा करोगे? ठीक है, नहीं जाता।
अपने म्यूजिक पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं हर हफ्ते 2 दिन चीयर्स करने आ जाऊंगा। ना स्माइल, लव यू। एक सेकेंड, आई जस्ट गेट माय बैग्स। म्यूजिक रिकॉर्ड करने में एक तरह का नशा ही होता है। You got a baby, you got a road, tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick, all night long. एक टाइम था जिसका भी फोन आता था बार बार एक ही गाने की मांग करते थे। Always, what the F, what the F, what the F. रिकॉर्ड करके चले आते थे रात को घर, वो लगा रहता था, सुबह आते थे मिक्स तैयार। लग गया था। Dude, check out his pool, man. He's so cool. What's your Charlie? मुझसे पूछना था ना। मैं गुड्डा से बात करके कुछ better design करा देती। क्या? Doll के लिए। The black jacket is so 80s. Whatever, yaar. Dude, तुझे पता है मैंने तेरी setting कहाँ करवाई है? उसे action figure कहोगे please? Doll sounds really gay. Yeah, yeah, call him whatever, yaar. Who cares? क्या जाने? सनबर्न में फिट किया है तुझे। सनटैन के बारे में तो सुना है, ये सनबर्न क्या है? I don't believe you, man. Sunburn just happens to be Asia's सबसे बड़ा कॉन्सर्ट, bro. मैंने तुझे वहां फिट किया है। You serious? Yes, I'm serious. You got a sunburn. Charlie, yes. You are the best. Anta, it's okay. Get easy. Thank you. Best. मैंने तुझसे कहा था ना। चार्ली कुछ भी कर सकता है। संतान पास कर सकता है। स्वीटी, स्वीटी, घर चले। मेरी मसाज वाली आ रही होगी, प्लीज। हियर स्वीटी। व्हाट द? गुड डे। सच बता यार, तू अब तक इसके साथ क्यों है? कोई जबरदस्ती है क्या? मधुमक्खी। मल्टीपल नाइस, गुड बॉय। रौनक की सोच बहुत बदल गई थी, उसका बिहेवियर भी। चाली का असर था उसमें। अगर तुझे तेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट याद रखना है ना, तो वो यही है यार।
तेरा दोस्त बहुत प्यार से प्रेशर डालता है। हाय। क्यों? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं। चार्ली को तो मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ तब से जानता हूँ। मैंने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। वो थोड़ा ऐसे ही मतलब उस समय मेरे को बोलता था कि रौनक से मिलो, रौनक से मिलो, रौनक से मिलो, पकड़ डालता था। मतलब फोन करके दिमाग की माँ बहन कर डाली उसने। मैंने कहा मिला दे भाई। हम हरा ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। यार दर्द पर याद आया, सोनाली कहाँ है आजकल? कैलेंडर शूट पर गई है। लगता है उसके दिन भर गए। अरे सीरियसली ले ले, दिस कुड बी योर बिग ब्रेक। पता है, अब जाएं से सोना है मुझे। बड़ा गेम शुरू होने वाला है, नर्वस है क्या? हाँ, इसीलिए मुंबई आया था। अब फटके हाथ में आ रही है इसलिए वापस जा रहा हूँ। अब जाएं से सोना मुझे। डूड, ज्यादा हवा में मत रहना। अपने छोटे से डिस्को में स्टार होने से तू AR रहमान नहीं बन जाएगा। लोग उसे मद्रास का मोजार्ट बुलाते हैं। तू तो अभी बैंड्रा का बीथोवन भी नहीं है। जस्ट एडमिट इट, सबके सामने फेल होने से डरता है तू, है ना? विरासत में फेलियर भी मिल गया तो। Music is everywhere in Goa. In the shacks, pubs, discs, there's music outdoors. There is music indoors. You know doors? My friend Jim. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना यार, और थोड़ा और बढ़ाना यार। तू अपना वॉल्यूम कम करती है क्या? No, I'll ask you a question. Why do people come back to Goa? I'll tell you. Goa means go. Go. वापस go ah go ah. I know it's a little philosophical, but you get hurt. You know, Ronak, अगर तुम थोड़ा कम पीना शुरू करोगे तो कुछ sensible बोलोगे। मैं तो बस एक मामूली fuse. हाँ, fed up of you. वो fuse जो music और audience को जोड़ता है। What is the fuse matter? यानी मैं बंद तो बंद। Disgusting. क्या बोले जा रही हो? So in any case, I want this fixed. I'm thinking of landscaping the garden. तुम्हें क्या लगता है? मेम साहब साथ नाश्ता लेंगे? नाश्ता नहीं, नशा लेंगे। साहब को नाश्ते से एलर्जी है। तो तुम्हें क्या लगता है, रॉट आयरन और दोनों कर लेते? अरे तुम तो मैडम का गुस्सा जानती हो ना सरस्वती। सब लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना सरस्वती। सब लक्ष्मी, मैं समझता हूँ सरस्वती, ये जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक इससे काम चला लेना सरस्वती।
भैया लक्ष्मी साहब। ओ चलो बैठो बैठो। साला बहरा लगता है। सामान डाल लेना अंदर। रौनक की प्रॉब्लम ना धीरे धीरे बढ़ने लगी रूटीन चीजों से। किसी को बताया नहीं उसने, इग्नोर करता गया। सोचा कि नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। I'd have done the same thing. Good morning. और जो भी उसको कहना है, लिसनिंग टू मी रौनक, पहले दो तीन सेशन कुछ खास नहीं गए। क्या ना, रौनक में दम तो है, टैलेंट बहुत था, लेकिन फोकस नहीं था। मतलब फिजिकली यहाँ रहता था मेरे सामने, लेकिन दिमाग कहीं और था। तो मैंने बोला चार्ली को, यार देख वो फोकस आएगा, उसको स्पेस दे, उसे उसका टैलेंट जो है ना उभर के आएगा। अगर जैज बजाना तो जाके होटल अभी बजाना। ये क्या चिस 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 बजा रहा है? साले पीट इसको, पीट। पीटने का मतलब समझता तू? समझता पीटने का मतलब? समझता? साले पीट 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 ऐसे। अब तेरे को क्या हुआ? ये बैठ गया, मैं भी बैठ गया। हड़ताल। क्या हड़ताल? साले म्यूजिक बना रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, यूनिटबाजी करेगा। जूझू कहीं का काम नहीं कर रहा तो संन्यास लो जाके। साला स्टूडियो को सरकारी दफ्तर समझ रखा है। अबे गिटार को पीट। Bana 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 b
आत्मा की शुद्धि कर दे ओ मेरे परमात्मा, आत्मा की शुद्धि कर दे ओ मेरे परमात्मा, दुनी जनों को दिशा दिखा दे ओ मेरे परमात्मा, दुनी जनों को दिशा दिखा दे ओ मेरे परमात्मा। बनाओ 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 right now, banao 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 right now, prem baba jaya mahadeva, prem baba jaya mahadeva, prem baba jaya mahadeva, prem baba jaya mahadeva, banao 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 right now, banao 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 right now, banao 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 right now.
नहाने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ। हाँ तो मीडिया बुलाऊं क्या? क्या मैंने कहा नहाने जा रहे हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं क्या? इट्स अ बात फॉर गॉड सेक। बात तो ये ऐसे करती है, इस पर केस करना चाहिए तुझे। दफा 322 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। उसके डीजे से इस पर भी असर पड़ रहा था। क्लब में वो हमेशा सोबर नहीं रहता था। तुम्हारी आवाज इतनी साफ कैसे सुनाई देती है? क्या हो रहा मुझे? क्या हो रहा मुझे? मुझे नहीं पता। सच? I really don't know. क्या लगा रखा है रौनक? कुछ खास नहीं। मैं अनुराग के प्रोड्यूसर को मिलकर आ रहा हूं, वो पूछ रहा है गाना तैयार हो गया हो तो सुनाओ। गुस्से में है बॉस। What the hell, man? Hey, dude, शूटिंग शेड्यूल फाइनल हो गया है, आर्टिस्ट ने भी अपने डेट्स दे दिए। सो कर तो रहा हूं चार्ली, जान लोगे क्या? ओह मैन, चार्ली बैठ जाओ या मेरे सर पे खड़े हो जाओ। काइंड सर, प्लीज आई जस्ट माइट डू दैट यू नो। बी सीटेड, थैंक यू। कल रात को शो देखा मैंने। Yeah, he's the man. Rockstar. I know. थोड़ा सा ऑफ था। Just a little wee bit. Just थोड़ा। Oh, shut up. What do you mean off था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? I've seen crap before. But this was worse than shit. Tatti ke bare mein sab jante hain ye. Tumse kisi ne pucha? Just shut up and get out. Are you talking to me? How dare you? Teri itni himmat ho gayi? Huh? Aur saale, tu kya dekh raha hai? It's all because of you. What? You know what? The both of you? Bahar mein jao. Maro. Saath mein. It's over. Madam, packing mein madad karu kya? Chhod do please. सब अकेला मुझे छोड़ दो प्लीज। ए सोनाली, वो अपने गंदे बचपन के फोटो साथ में लेके जा। ए भाई, भाई देख रौनक, उठ उठ उठ, अब कोई नहीं, यहां सिर्फ मैं हूं। वो चली गई है, लेकिन वो जो कह रही थी ना, फॉर अ चेंज ठीक था। तुझे भी पता है वो बुरा था। आई मीन कम ऑन, इट वॉज बैड। नॉट बैड, तू बहरा हो गया। क्या? तू बहरा हो गया, बहरा हो गया तू। You've gone deaf, asshole. मैं यहां प्रोड्यूसर्स को संभाल रहा हूं, जवाब दे रहा हूं उनको। लुक डूड, अनुराग फिट बंदा है, ही इज अ डूड, मगर वो तेरे लिए रुकेगा नहीं, समझे? चार्ली कम ऑन, रिलैक्स, टेम्पररी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। अबे ये कोई गाड़ी पर डेंट लगी है जो टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा? तू समझ भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुझसे? मेरी बात मान यार, किसी डॉक्टर के पास चला जा।
चार्ली मेरे पास एक आइडिया है। मैं सोच रहा हूं डॉक्टर के पास चले जाऊं, क्या बोलता है? मिस्टर कॉल, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, कुछ ऑनेस्टली जवाब देना ठीक रहेगा। स्मोकिंग करते हैं आप? सिगरेट? जी। कितनी? एक पैकेट, शो होता है तो दो पैकेट। एंड अल्कोहल ड्रिंक्स? मिस्टर कॉल, ड्रिंक्स अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। कितनी? दो, चार, कभी छः। छः? बियर को भी इंक्लूड करना है? ऑफ कोर्स यार, चढ़ती तो उससे भी है ना। एक बियर मतलब एक पैग या दो पैग? दो, दो मानते हैं। 15 कर दीजिए, राउंड फिगर। 15? व्हाट अबाउट ड्रग्स? किस टाइप की? आयुर्वेदिक, चरस, गांजा, जैसा बाबा लोग करते हैं। और कुछ? हेरोइन ट्राई किया है, जमाने। क्यों? शराब ज़रा पी रखी थी शायद। मिक्स हो गया होगा। एक्सटेसी पिल्स, लेकिन मेरा उसूल है पार्टी ड्रग्स सिर्फ पार्टीज पर। एनीथिंग एल्स? कोकेन कभी ट्राई नहीं की, बहुत महंगी होती है। एक बात बताइए, जो चीज़ें लैब में मैन्युफैक्चर होती हैं वो महंगी क्यों होती हैं? कोकेन इज सो एक्सपेंसिव, नहीं? या तो व्हाट अबाउट लाइक सेक्स? डू यू प्रैक्टिस सेफ सेक्स? मेरी गर्लफ्रेंड से मिली है, उसके साथ बातचीत करना भी सेफ नहीं। बॉडी में कमाल के रीजेनरेशन स्किल्स होते हैं। कम टू द पॉइंट डॉक्टर, क्या हुआ मुझे? सी, डोंट पैनिक। आपकी सुनने की जो शक्ति है वो परमानेंटली जा रही है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यू हैव समथिंग कॉल्ड टिनिटस। ये बहुत ज्यादा शोर के सामने रहने से होता है। दायां कान तो पूरा गया, पर लेफ्ट वाला कान जो है अभी 30% फंक्शनल है। आई लिख लीजिए मिस्टर कॉल। ये मिस्टर कॉल, ये यहाँ कोक्लिया है और ये जो है बेसिकली वाइब्रेशन रीड करके आपके ब्रेन को ट्रांसलेट करता है, जिसे आप सब आवाज़ें पहचान पाते हैं। ये जो कोक्लिया है, ये इसमें एक फ्लूइड है जो लीक कर रहा है। आई थिंक इट्स हेरिडिटी। इस लीक को रोक नहीं सकते डॉक्टर? एमसील वगैरह कुछ? बहुत डेलिकेट एरिया है, सर्जरी से भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपको अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। नो म्यूजिक? आई एम अफ्रेड यस। मिस्टर कॉल, मेरी एक ही सलाह है कि अब आप कंप्लीट साइलेंस में रहिए। कंप्लीट साइलेंस शायद आपकी हियरिंग जो है वो इम्प्रूव करे। देखो, बॉडी को रिजुवेनेट करने के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। ड्रग्स, दारू, सिगरेट सब प्लीज छोड़ दो और पूरी नींद लेनी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर।
ये एक हेयरिंग एड है, इसको आप तभी पहनिए जब बहुत जरूरी हो। हमें क्या पता चलता, म्यूजिक इज ऑलवेज ब्लेयरिंग इन द स्टूडियो ऑफ द क्लब। घूर घूर के देखता था, सो रिज्यूम भी आया। प्रोफेशन के साइड इफेक्ट्स। रौनक की जो प्रॉब्लम थी वो डीजे और म्यूजिशियंस में काफी कॉमन है, खासकर रॉक स्टार्स में, लाइक पीट टाउनसेंड एंड ऑफ कोर्स बेथोवन द ग्रेटेस्ट कंपोजर। He finally turned down. Saathi na karwa hai, ye tera intiha hai. Saathi na karwa hai, ye tera intiha hai. तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? सबको एंटरटेन करना जरूरी हो गया है तेरे लिए। हमेशा परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। तुझे लोगों की और म्यूजिक की और क्राउड्स की आदत पड़ गई है, नशा बन गया है ये तेरे लिए। और अगर नहीं हो फिर शराब तो चाहिए, है ना? पी लो ना जॉनी। सब बंद करना पड़ेगा, जब तक तुम रहोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। भाभी को बता दूं? अच्छा नहीं लगेगा उसे सुनकर। मैंने सबसे छुपाया, बिस्किट बैंजो सोनाली, अच्छी विरासत छोड़ के गए मेरे लिए। थैंक्स पापा। आई नो सर, जस्ट वन मोर थिंग प्लीज। ओके सर, थैंक यू। अनुराग के प्रोड्यूसर का फोन था। अनुराग के प्रोड्यूसर का फोन था। क्या बोला तुमने? यही कि तेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और थोड़ा मसाला डालकर ये भी बोला कि सब जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं। चार्ली तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे अपने कान का ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं कुछ टाइम तक काम नहीं कर सकता। क्या मतलब? चार्ली मेरे पास सिर्फ एक होप है कि मैं इस कान को रेस्ट दूं। प्लीज रेस्ट। साले तो पिछले 3 महीने से और कर क्या रहा है? उन्होंने अपनी टॉकी पोर्शन शूट कर ली है, अब उन्हें गाना चाहिए, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हें यह देना होगा। प्रोड्यूसर लोग तेरे लिए अपनी शूटिंग रीशेड्यूल कर रहे हैं नवाब साहब, और अगर तूने यह टाइम पर नहीं दिया ना तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तो, और तुझे मालूम है ना इस काम के लिए हमने बहुत सारा एडवांस लिया है जो हम खर्च कर चुके हैं। तेरी अय्याशियों पर डीजे करना बंद कर दिया तो वहां से भी पैसे नहीं आ रहे। आई डोंट गिव अ डैम, ये तुझे करना होगा। तुम्हें क्या लगता है चार्ली मैं इस बारे में नहीं सोचता? मेरे लिए भी आसान नहीं है, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय एंटायर ब्लडी लाइफ। मैं मेरी लाइफ, मेरे लिए यू आर द मोस्ट सेल्फ सेंटर्ड बास्टर्ड आई हैव एवर सीन रौनक। इस प्रोजेक्ट के बाद तू क्या करता है आई डोंट गिव अ डैम, लेकिन तुम्हें यह खत्म करना होगा। तुम्हें रेस्ट करना है, रेस्ट करो। मरना चाहते हो मरो। एक दो हफ्ते की बात है, स्टूडियो में घुसो और खत्म करो। दिस इज बुलशिट डूड। सोच क्या रहे? चल भाई गाना खत्म कर और गायब होते हैं यहां से। Thank you.
बकवास है यार, इतने टाइम से चुप बैठे हैं, जब मन आया पीट दिया। ये बकरी की मैं सुनने के लिए क्या तू बह रहा है क्या? तू बह रहा है? ऑलमोस्ट। कब से? टाइम हो गया एंड इट्स गेटिंग वर्स। हमें बताया क्यों नहीं? क्या बोलता? मेरी एक सीक्रेट थी यार, अपनी इंपोर्टेंस का कोई ढिंढोरा तो नहीं पिटता ना। राइट कान पूरी तरह से खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, सिर्फ लेफ्ट वाले से थोड़ी उम्मीद बाकी है। पर ख्याल रखना पड़ता है, ये हेयरिंग एड से कुछ आराम मिलता है, पर डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ इमरजेंसी में पहनूं, थोड़ा सुनाई देता है। देख यार, दोस्ती यारी ऑल दैट वो अपनी जगह, दैट्स कूल, बट मुझे नहीं लगता आई कैन कंटिन्यू विथ यू एनीमोर यार। चार्ली मुझे अब कुछ सुनाई नहीं देता, तुम्हें चले जाना चाहिए अब। किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास जा या शांति के लिए माउंटेन पर चला जा, जो सही लगता है कर, पर अपना ख्याल रख यार। मैं इधर संभालता हूं। Just hope the bloody producer doesn't put a case on me, man. All the best, Ronak.
All the best. Miss Call. ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है, इसे यूज करो, शायद कोई फर्क पड़े. पढ़ लो इसे. Okay, to begin with, I will put this liquid in your ears. Don't worry, it's only oil. See? Then, I will take this candle. It's like a pipe open from both sides. And it will create a vacuum. Turn around. Then, I will light this candle up. You're going to start feeling warm now as the oil slowly flows into your ear. Excuse me. How much time will it take? तुरे अखियों से नैना लागे रे, नैना लागे रे, नैना लागे रे. तुरे अखियों से नैना लागे रे, नैना लागे रे, नैना लागे रे. और चाली भी चुप था. And that Chunali also wasn't saying anything. हाँ, लेकिन बैंजो ने बताया था ही कुछ कॉम्बैट आश्रम का कुछ कोयंबटूर में आश्रम में था और मेडिटेशन कर रहा था. Yeah, the Monbrad types, you know. So inspiring, no? तेरे अखियों से नैना लागे रे, नैना लागे रे. एक्चुअली अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था. उसे यकीन हो चुका था कि अगर उसे दोबारा सुनना है तो अपने आप को किसी भी तरह के शोर से दूर रखना पड़ेगा. रैनों में आते हो क्यों मुरा बालुआ, रैनों में आते हो क्यों मुरा बालुआ. सकता था मैं उसे अलीबाग जाने से. रोक तो मैं भी सकती थी बंबई आने से, मगर पार्थ कॉल का बेटा है. तेरे अखियों से नैना लागे रे, नैना लागे रे, नैना लागे रे. तेरे रौनक की जिंदगी का सबसे बुरा फेज था. दो महीने शायद ही अपने कमरे से निकला और डिप्रेशन में डार्क स्टेट में पहुंच गया था. सुना है जीनियस लोग चटिया जाते हैं, शायद उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था.
मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लब नहीं जाना? नहीं, वो क्लब बेचने की बात हो रही है इसलिए कुछ दिनों के लिए बंद है। आप मिलना चाहती हैं उसे? मिलना है तो खुद आ जाएगा। यही बात आपने पार्थ भैया के लिए भी की थी, वो तो नहीं आए, कम से कम जिंदा तो नहीं। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, पता नहीं था आएगा भी या नहीं। ये तो सवाल ही नहीं था मेरे लिए, बात थी कि कब आएगा, कैसे आएगा और किस हाल में आएगा। क्राइसिस था उस टाइम, क्लब बिक रहा था, डिवोर्स सेटलमेंट भारी पड़ रहा था, पैसों का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, जिधर देखो काले बादल छाए हुए थे। मगर वो कहते हैं ना, इट्स डार्केस्ट जस्ट बिफोर डॉन। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अच्छा हुआ तुम आगे माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस परमानेंटली बहरा हो गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब वो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं वाला डायलॉग मत मारना। Excuse me, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, मैं आपसे sorry, मैं आपको डराना नहीं चाहता था, पर कब से आपको बुला रहा हूँ? मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं पै ही हूँ, पै ही, मैं really? पर तुम पैरी तो लगती नहीं हो। देखकर कैसे पता चलेगा कोई बहा है? तुम्हें लगा मेरे कान काटे होंगे? मैं भी बहरा हूं, I am deaf।
तुम्हें याद है हम पहले एक बार मिल चुके हैं? तुम ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी, मैं बहुत गुस्से में था। हाँ, उस दिन के लिए सॉरी। शॉई गोई गोई। गौरी गौरी, मैं रौनक रौनक ओनक। लिप ईरिंग सीखना चाहोगे? मुझे कुछ लिप वेट। लिप रीडिंग कितना टाइम लगेगा? ओनक, एक तरह से अच्छा है कि तुम अभी बहे हुए बचपन से नहीं। तुम में साउंड मेमोरी है, कोई आवाज या शब्द कैसे सुनाई देता है तुम्हें याद है। बस उस आवाज को विजुअल से कनेक्ट करना सीखना होगा। तुम शायद भूल गई हो कि मैं लिप नहीं पढ़ सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। कोई इजी तरीका नहीं है? लिप्स लिप्स ओके। किसी भी आवाज या वर्ड को तुम में होंठ या जबान को देखकर पहचान सकते हो, और शायद फेशियल एक्सप्रेशंस भी। ध्यान से देखना पड़ता है और महसूस करना पड़ता है। ट्राई करें। ट्राई 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 तो करना ही है। आ वी पी पी भी तो सकता है। पी 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 टर्री टर्री ट्री टर्री गौरी सॉरी आ एप्पल ब ब बस पाप भी क्या है तू? तू बह रहा है क्या? बैंजो ह भूख लगी है हॉर्न में जाओ। शो नाली च चालो चाचू चाली मधुमक्खी कमीना है टू ध द द से दर्द द से दवा अरे द से दूध भी तो होता है ना भाई। गा गो गौरी के लिए कुछ फूल खरीद लेना। फूल लाया हूँ तुम्हारे लिए। पू प गा 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 कॉन्सेंट्रेट म मेमोरी ऑफ साउंड म मेरे पास माँ है। स सेल्फ सेंटर्ड बास्टर्ड रौनक। श शायद आप कभी भी सुन नहीं पाएंगे। श सो रही है। हे का धोका धोका व तो वाई बी विस्की। लिप ईडिंग का कोई एग्जाम नहीं है। रौ रॉकस्टार है तू। डी जे रौनक 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 द क्विक ब्राउन बॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग।
वो आदमी अपने दिल की तरफ इशारा कर रहा है, नहीं, अपनी जेब से पेन निकाल रहा है और सामने वाले को एक नंबर नोट करने के लिए कह रहा है। 9 9 B, shit, how the hell am I gonna do it? Arnak, don't panic. इतनी जल्दी हाँ मत मानो, इन सब चीजों को सीखने में टाइम लगता है। आवाज बिना भाषा समझना डिफिकल्ट है, पर उतना नहीं जितना अंधे को अंग समझना। टाइम आएगा जब तुम किसी को देखकर समझ जाओगे वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले कंफर्टेबल हो जाओ कि तुम बहे हो, और ये कभी नहीं बदलेगा, एक्सेप्ट कर लो। फिर बाकी के सारे सेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, मैंने कभी आवाज़ नहीं सुनी पर दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है मुझे एहसास है। कम ऑन, फिर से ट्राई करो और दो लोग के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, वो आदमी उस औरत से पैसे मांग रहा है, 3 लाख। औरत कह रही है बहुत ज़्यादा है, आदमी कह रहा है काम बहुत रिस्की है, इससे कम में नहीं होगा। औरत कह रही है उसके पास सिर्फ 30,000 है। वो आदमी उसे टॉर्चर करने की धमकी दे रहा है। अरे गौरी, ये तो अपने हस्बैंड की सुपारी दे रही है। तुमने तो कहा था अपनी बाकी की सेंसेस स्ट्रॉन्ग करो, जब सब कुछ ब्लैंक हो तो इमेजिनेशन काम आती है कि नहीं? हाँ, क्या खिलाती थी इसे भाभिया? अब मैं आपके लिए गाना गाता हूँ। अब मैं बिल्कुल बहरा हूँ, सुनता नहीं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आज भी दिल के अंदर बजती है ये धुन, टिंग 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 टिंग। अब भी म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा है। जवानी और पागलपन एक ही मतलब है दोनों का। मैं जानता हूँ आप लोग सब मेरे बारे में बात कर रहे हो, है ना चाचा? मॉम, अब मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हूँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो गया। अब मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं है और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब सैडनेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। क्यों चाचा? चीयर्स। कुछ तो जादू किया था गौरी ने, रौनक मुझे बता नहीं रहा था, लेकिन एक माँ पहचान लेती है, वो बदल चुका था। गौरी, यू आर अ रॉक स्टार, रॉक स्टार। इसका मतलब आई लव यू। आई लव यू। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैम पीटर। डेक का वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यस मैम। मैंने उसे कहा डेक का वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पता है तुम कितने पानी लगते हो? भाई साहब, तुमने देखा है कितने पानी लगते हैं किश करते वक्त? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, ये सब अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं। अगर तुम मुझे किश करना चाहते हो तो पहले मुझे एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाओ। चलो। कहाँ ले जा रहे हो उसे? पता नहीं, पिक करने के बाद डिसाइड करूंगा कहाँ जाना है। शादी करने वाले हो उससे? शादी करने वाले हो उससे? मॉम, पहली बार डेट पर जा रहा हूँ, शादी की बात कर लूँ? क्यों, अगर प्यार करते हो तो कुछ भी जल्दी नहीं। दुनिया को रोमियो जूलियट का किस्सा याद है, सिर्फ 3 बार मिले थे और तीसरी बार में तो मर भी गए। और तुम चाहती हो कि मैं पहली डेट पे ही मर जाऊं?
हैं? अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। बाय। हाय, तुम्हें याद है मैं बे ही हूँ। दरवाजा खटखटाने से कोई फायदा नहीं, बाकी के शायद दरवाजे खुल जाएंगे, मैं या नहीं। पर अंदर कैसे? हमेशा दूसरा आशा होता है और मुश्किल वो ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। चले गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक? वन फ्रेश लाइम। ओके। स्वीट एंड सॉल्टेड मिक्स्ड। मिक्स्ड ओके। एंड फॉर यू मैम? स्कॉटिश। श्योर मैम। तुमने क्या ऑर्डर किया? वेट एंड सी। सर ये फ्रेश लैम सोडा, मैम योर डबल विस्की। तुमने विस्की ऑर्डर किया? क्यों नहीं? अब मैं भी पहले विस्की पीता था, छोड़ दे, जॉनी जोकर दिखता था। शराब पीकर कोई बया नहीं हुआ ओनक, ऊपर वाले ने बनाई ताकि सब पी पा के खुश रहे। Cheers to the DJ. And cheers to you. मैं उस डीजे की बात कर रही थी। बहुत मिस करते हो ना? म्यूजिक से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस सन्नाटे के अलावा कुछ भी मिलता। एनीथिंग आएगा? कुछ नहीं आएगा, बिल आएगा। Miracles can happen. तुम इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो? क्योंकि ऑप्टिमिज्म के पैसे नहीं लगते। खंडहरों में भी जगह होती है म्यूजिक के लिए। 500 साल पुराना है ये मंदिर। यहाँ के राजाओं ने सबसे बेस्ट कलाकारों से बोला कि कुछ यादगार बनाओ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन पिलर्स को हल्का सा टैप करो तो म्यूजिक की नोट्स निकलते हैं। जब सुनाई नहीं देता तो क्या फर्क पड़ता है? सुनो मत, महसूस करो इन योर हार्ट। कम
अपनी आंख से देखती है और ये सुनने लगा। रौनक का एक जीनियस सिस्टम था, जो पुराने गाने उसे याद थे उनका वो वेवफॉर्म स्टडी करता था। जो पहले वो गाने सुन सकता था अब वो देखने लगा। हर चीज में रिदम, एक लय इसे दिखने लगी। आसपास सिर्फ संगीत ही संगीत। तोड़ूंगी। हो गया काम। ये समझ आ गई ना? रुको कौन? आज तुम बच्चे हो। भाई रुको। मैं सॉरी बोलने आया हूँ चार्ली।
मैं जानता हूं तुम मुझ पर डिपेंड कर रहे थे चार्ली। अस्कूडा तू इसलिए सॉरी बोलने आए? चार्ली मैं सुन नहीं सकता, मैं लिप रीड करता हूं। तू इसलिए यहां सॉरी बोलने आया है? तुझे क्या लगता है तेरे सिवा यहां दुनिया में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चार्ली के प्रॉब्लम का क्या? टैंगो? तुझे मालूम है मुझे अपना नाइट क्लब बेचना पड़ा? और मालूम है अब उसे क्या बुलाते हैं? साउंड ट्रैक। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ये सब सुना, क्योंकि मैं तो अब सुन सकता ही नहीं। देखो चार्ली, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। सॉरी से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं। ये सुन लेना प्लीज, तुम्हारा ओपिनियन मायने रखता है। बाय। आई एम सॉरी। तुझे विला छोड़ना पड़ा, सेटलमेंट में मेरी बीवी को मिल गया। इट्स ओके चार्ली, तुम्हारी हियरिंग के फैसले से पहले मेरी हियरिंग का फैसला हो गया। ये सुनना मत भूलना, मैंने बहुत मेहनत की। और कुछ देर पीछे देखो, पीछे। चार्ली। Holy shit, रौनक। Hey, relax. Oh, sorry. चार्ली गौरी, मेरी मॉम। हेलो। हेलो। हाय चाई। हाय। वो भी मेरी तरह से बहरी है। तुम्हारी मॉम? यार बहरा होना तुम लोग का फैमिली बिजनेस है क्या? चार्ली मेरी मॉम नहीं, गौरी। गौरी। ओह। चाय? चार्ली चाय नहीं पीता। क्यों चार्ली? नो नो नो। लेट्स गो। ओके बड़ी, सच बता, ये तूने बनाया है? कैसा है? तुझे क्या लगता है इतनी रात में तुझे मिस कर रहा था? चार्ली प्लीज बताओ कैसा है, मैंने कभी सुना नहीं। सुना नहीं मतलब क्या? चार्ली मैं पूरी तरह से बहरा हूं। पूरी तरह? पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन ये कैसे? चार्ली मैं सुन नहीं सकता तो क्या, लेकिन सुन तो सकता हूं। ओह मैन, ब्रो, ब्रो कम हियर मैन। मैन दिस इज गुड, दिस इज डैम गुड, दिस इज डैम गुड। तुझे अंदाजा भी नहीं? चार्ली रिलैक्स, कंट्रोल। मैं सुन नहीं सकता, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। ओह ओके, गुड गुड गुड। बॉस तुझे अंदाजा नहीं है कितना अच्छा है। जब हम ये रिलीज करेंगे ना, तू रातों रात हीरो बन जाएगा, और लोगों को तेरे जैसी इंस्पिरेशन वाली स्टोरीज बहुत पसंद है। तू रियलिटी शोज देखता है ना? चार्ली शायद हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए कि मैं बहरा हूं। क्यों नहीं? मुझे कोई सिंपथी या चैरिटी वैरिटी नहीं चाहिए। ब्रो तू पागल भी हो गया है क्या? अबे चने के भाव में म्यूजिक बनाने वाले बैठे हुए हैं यहां पे शहर में। बहरा कंपोजर किसी ने सुना है? नहीं ना, हमें इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। अरे कभी कभी अपना दिमाग बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर लिया कर। यस चार्ली, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरे बहरेपन के बावजूद भी मेरा म्यूजिक अच्छा है या नहीं। ओ मेरी जान, तू मेरे से क्या, एक अच्छे कान वाले से लिख कर ले ले चाहिए तो। अरे तू रोल मॉडल है किसी का, डेफिनेटली। अरे तेरी जिंदगी पर फीचर फिल्म बनेंगे, और तू मेकअप शेकअप लगा ले बड़ी। रोल कैमरा, साउंड, सॉरी नो साउंड, एक्शन। मैं एक कालेपन के दौर से गुजर रहा था। फिर मुझे मिला असली गोरापन। मैंने अपनाया इमामी फेयर एंड हैंडसम, खास मर्दों के लिए। हाय
और मिल गई मुझे मेरी मंजिल। सुना आपने? कट, पैक अप। क्या हो गया, पागल हो गई हो? बाल लाल क्यों है? अपने बाल देखें, कोई हाथ फेर देना तो दो तीन चिड़िया उड़कर बाहर निकलेगी। चेहरा देखा है, दिखता है किसी लैब में बने हो। तुम बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बात कर रही हो। छोड़ना नहीं चाहिए था उसे, शत चुपता है ना। चुबा चुबा। अब तुम बिल्कुल मेरी होने वाली बीवी की तरह बात कर रही हो। ये तुम्हारा प्रपोजल था? मुझे लगा कि तुम सब कुछ जल्दी सीख जाओगे, पर अब लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहकर सिखाना पड़ेगा। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझू? Your Highness. आ गया। Hey, the King and Queen of Subtitles. चाली ये सब क्या तमाशा है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। Please. ये रख लो। ये क्या? मेरे विला की चाबी। मैं चाहता हूँ कि तुम रख लो। रख लो। या? रख लो। पहले एल्बम पर तो सिर्फ एक डॉल दी थी, इस बार चाबी। डॉल पर? अच्छा याद आया। Ta-dan! Dronok action figure version 2.0. Padam. How are you? Dronok is here. Dronok is here. Dronok is here. Charlie, अब मुझे ये सब शोर शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Hey, listen, come on, brother, please. I really don't have time for all this. Please, यार, press आ रही है। मुझे ने receive करना है। You also get ready. All right? Okay, bye. Hi. Okay. Welcome, ladies and gentlemen. आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Well, आज से सिर्फ दो साल पहले ये हमारे शहर आया था, एक बैकपैक और एक गिटार लेकर। आज हमारे साथ है एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, रौनक कौर। अब आप बारी बारी रौनक से डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये लिप रीड कर सकते हैं। यस मैम। पहले आप सुन सकते थे और अब आप बहरे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? जहां से आप मुझे देख रही हैं, मैं आपके लिए बहरा हूं, लेकिन जहां से मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे लिए गूंगी हैं। कुछ नहीं बदला, सिर्फ दुनिया को देखने का तरीका, नजरिया बदला। पर एक बहरा आदमी म्यूजिक कैसे कंपोज कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू मेक इट पॉसिबल। और किसने कहा कि बहरा आदमी म्यूजिक कंपोज नहीं कर सकता? बीथोवन ने नहीं किया था क्या? एक्सक्यूज मी, हेलो, आप अपने आप को बीथोवन के बराबर समझते हैं? जी नहीं, मैं अपने आप को बीथोवन के बराबर नहीं समझता। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि म्यूजिक बनाने के लिए कानों की जरूरत नहीं होती, आत्मा की जरूरत होती है। और मैं यहाँ किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ। मैंने यह एल्बम तब बनाया था जब मैं अपनी सुनने की शक्ति पूरी तरह से खो चुका था। मेरे पास में अपने फादर का एक गाना था जिसे मैंने अपने हिसाब से रिक्रिएट किया है। That's it. लेकिन हम ये कैसे मान लें कि यह गाना आप ही ने कंपोज किया है? देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं तो मुझे आप जैसे सब बूफरों के सामने कुछ साबित नहीं करना। प्लीज अपने अपने घर जाइए। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ साबित नहीं करना चाहिए किसी के सामने। क्रिएटिव आदमी है यार, आर्टिस्ट है, कम से कम उससे बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी। बदतमीजी? इसमें बदतमीजी की बात कहां से आई सर? आप कह रहे हैं कि वो बहरा है, वो कह रहा है कि वो बहरा है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उसने बहरे होकर म्यूजिक कैसे कंपोज किया, या तो फिर ये पब्लिसिटी स्टंट है। हे कम ऑन, रौनक कौर पूरी तरह से बहरा है और उसने इसी बहरेपन की हालत में ये एल्बम कंपोज किया है। Trust me on this, brother. यहां एक आदमी अपने हैंडीकैप को ओवरकम करके दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन बनता है, फिर भी उसे अपनी टैलेंट, अपनी काबिलियत हम जैसे लोगों के सामने साबित करना पड़ रहा है। हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में क्या घंटा भी नहीं उखाड़ा है। Come on, man, एक बहरा म्यूजिशियन होना, लंगड़े फुटबॉलर,
एक अंधे पेंटर से भी ज्यादा मुश्किल है। जस्ट बिकॉज वो नॉर्मल दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हैंडीकैप नहीं है। You got to... I think we should do a concert. I've got the clearances. We can do this. Let's do it, man. Excuse me, sir. आपको सबूत चाहिए था ना? मिलेगा। Ladies and gentlemen, Ronak Hall, Saturday night को live in concert perform करेगा। He's the man. He's a genius and he's a true blue rockstar. Rumor है रौनक को convince करने के लिए चार्ली को अपने सारे बाल मुंडाने पड़े। सारे छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाँ तुम दोनों आ गए तो घबराहट थोड़ी सी कम हो गई। What an evening! कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने दोस्त। Thank you so much for coming. I would like to thank our sponsors, especially our music label Saregaba, for believing in us and giving us this opportunity. And now, without any further ado, please welcome the man who makes handicapped people look cool. Bandra ka Beethoven, Ronak Kaur! This is it, Bill. I believe in you. क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? लेकिन मैं आपको नहीं सुन सकता। इसलिए प्लीज ताली जरा जोर से बजाइएगा। कुछ लोग मानते हैं कि मैं बहरा नहीं हूँ। मुझे आपकी बातें सुनने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। और कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं सुन नहीं सकता, वो सोचते होंगे कि मैं बेचारा, मेरी किस्मत कितनी खराब निकली। लेकिन यार मैं तो दुनिया का सबसे लकी इंसान। कितने बेटों को अपने बाप का अधूरा सपना पूरा करने का मौका मिलता है। तो थैंक्स पापा, क्या विरासत छोड़ के गए मेरे नाम। बीच में कुछ देर के लिए मैं राह से भटक गया था। कोई है जिसने अंधेरे में मुझे रोशनी दिखाई थी, लिटरली। और अब मेरी बारी। आशिक हूँ
एक पागल हूँ, चंद खंजर हूँ, एक कातिल हूँ, चंद तूफान हूँ, एक साहिल हूँ, चंद घुंघरू हूँ, एक पायल हूँ, चंद गजलें हूँ, एक महफिल हूँ, चंद अहमक हूँ, एक आकल हूँ, चंद राह एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल। चंद मजहब हूँ, एक आदिल हूँ, चंद जज्बे हूँ, एक हासिल हूँ, चंद आँखें हूँ, एक काजल हूँ, चंद जाहिल हूँ, एक काबिल हूँ, चंद मुनकिर हूँ, एक कायल हूँ, चंद राह एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल। चंद खंजर हूँ, एक कातिल हूँ, चंद तूफान हूँ, एक साहिल हूँ, चंद गुरु हूँ, एक पायल हूँ, चंद गजले हूँ, एक महफिल हूँ, चंद अहमक हूँ, एक आकल हूँ, चंद राह एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल, एक मंजिल। Thank you, thank you. You want Ronak call? Well, I'm Charlie, and only Charlie can get you Ronak call. So wait here. I'm gonna get you Ronak call. Call him, Ronak! Yeah, keep it going, guys! Hey, Ronak! Ronak, abe kahi tu yaar? Hey, rockstar, come on out, man. Where are you, yeah? Ronak! Bon! What a show, man! What a show! Ronak, what are you? Chala gaya. What do you mean? Chala gaya, dude. Bahar log uska intezar kar rahe. I promised them I'm going to get them Ronak. Man, what a show! Aadhe ghante mein hum log live jaane wale. Mazak mat kar, Ronak kahan hai? Charlie, Ronak chala gaya. Itna acha performance uske. पहरे होने के पहले भी नहीं हुआ था कभी। It was so nice, amazing. और फिर गायब। कौन? सर्किट पे बहुत बात होती है कि वो गया कहाँ। You know, कोई कहता है उसे यहाँ देखा, वहाँ देखा। उसको मैंने एक बार न्यूयॉर्क के सबवे में गिटार बजाते हुए देखा था। टांग टांग टांग, मतलब यार कमाल बजा रहा है। ये हमारा इंडियन आइडल। अमेरिका में आइडल क्यों बैठा हुआ है? रौनक, a beggar. No. मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए लद्दाख गया था, मुझे यहाँ से स्पेशल भेजा गया था और वहाँ ऐसे ही मैं अपना गाड़ी से निकल रहा था तो मैंने लामे निकल रहे थे और मैंने कहा ओए मिस कॉल, तो मैंने जोर से आवाज मारी कॉल साहब, बट मैं भूल गया था कि उनको तो सुनाई नहीं देता है। रौनक, अलामा, नो। मतलब आई एम श्योर, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि शायद मैंने उनको देखा है। आई हैव नो आइडिया।
But you should ask Charlie. कुछ साल पहले हम न्यू ईयर शो के लिए काठमांडू गए थे. अब इंडिया से तो माल ले जा नहीं सकते वहाँ. तो वहाँ पे एक डीलर मिला, डिस्काउंट दे रहा था. क्यों? अपने बॉस की कर उसने मेरी और बिस्किट की फोटो देखी. Who could that be? Kaiser so say. Rona, a drug dealer? No. डिस्कशन तो काफी होता है लेकिन श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता पाया. एक दिन उठ के चला गया, कहीं भी हो सकता है. अर्ज है एक दास्तां, इसकी है ना कोई जुबां. सुनते थे हम लेकिन मगर लिखने वाले का है ना पता. और हर 6-8 महीने में एक सीडी आ जाती है जिससे मुझे ये पता चलता है कि उस साला हरामी वहां कहीं है. म्यूजिक है तो रौनक है. ऐ कहानी ऐसी मेरी है, आजादी इसमें मेरी. ले चलो मुझे जन्नत अब वहां, तो आवाज पुकारो मुझे. रौनक ने तो इम्पॉसिबल कर दिखाया, इससे ज्यादा इंस्पिरेशन क्या चाहिए. रौनक बंदे में दम था यार, बंदे में दम तो था लेकिन. रौनक हैड ग्रेट स्टाइल, ग्रेट फ्लेयर. आई विश आई कुड बी लाइक हिम. बहरा आदमी इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा बना, काबिले तारीफ. उसने एक ही चीज सिखाई, जो कुछ करो पैशन के साथ करो, एब्सोल्यूट पैशन. और हार मत मानो. कुछ ही लफ्जों में मेरा जहां सामने है जैसा हुआ. अब किसी से ना कुछ है छुपा, स्याही के चादर पर है निशान. है कहानी ऐसी मेरी, है आजादी इसमें मेरी.
क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा भाई?